सो आज कौन सा टूर्नामेंट होने वाला है और कुछ अपकमिंग टूर्नामेंट्स के बारे में कुछ न्यूज है जैसे स्काई ई स्पोर्ट्स का, ESL का, तो वीडियो को पूरा देखना। बट चैनल पर नहीं हो तो पहले सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। सो RA ESports का कल फाइनल स्टार्ट हो गया था और डे वन खत्म होने के बाद देख सकते हो स्टैंडिंग्स। टॉप पे अभी NTT है, फिर सेकंड पे कैमिन, थर्ड पे कार्निवल, फोर्थ पे टीम फॉरएवर, फिफ्थ पे IQ Soul, उसके बाद रैकनिंग, 8bit एंड गॉड्स रेंज। तो कंपटीशन भाई उतना भी नहीं है, मतलब जो भी टीम से हमें चिकन निकालेगी तो बहुत ऊपर आने वाली है। एंड फिर सेकंड चार्ट देख सकते हो, गुजरात टाइगर, FSE Esports, हैदराबाद हाइड्रास, ओरेंगटैन, जेनेसिस, बिग ब्रदर, गॉड लाइक, रेवेनेंट। तो कल गॉड लाइक, बिग ब्रदर, रेवेनेंट का तो अच्छा गेम नहीं गया था। खैर MVP देख सकते हो कैमिन के फ्यूरी, फिर कैमिन के ही एक और प्लेयर है वैनम, भाई कैमिन के प्लेयर सीधे उनका ही खेल रहे हैं, फिर कार्निवल गेमिंग के अक्षत, फिर NTT के ट्रॉय एंड पंक, भाई पंक यहाँ भी अभी आ चुके हैं टॉप 5 में। सो ये तो हो गया, आज इसका स्टार्ट हो जाएगा फाइनल्स का डे 2 और कल इसका फाइनल चलेगा डे 3। 3 दिन का फाइनल्स है। सो क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी कमेंट में बताना। सेम टाइमिंग रहेगा, लगभग 2 PM में स्टार्ट हो जाता है। वैसे मैं शेयर भी कर देता हूँ अपना व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, और शाम में भी कोई स्क्रीम्स होगा तो मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं ESL के बारे में। तो कल एक पोस्ट आया जहाँ पे कुछ प्लेयर्स थे, मतलब वो लोग बस यहाँ पे प्रमोशन करवाया कि आप लोग भी आ सकते हो लैन पे। तो देख सकते हो इसमें लिखा हुआ था चैलेंज फाइनल लैन 16-18 फरवरी, जो कि हम लोग को पता है, बट यहाँ पर ये लोग बस और न्यूज़ डाल रहे हैं। और ये ट्रॉफी भी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो ये ट्रॉफी होने वाला है नोएडा इंडोर स्टेडियम में। टिकट बुकिंग बहुत पहले ही चालू हो चुका था, अभी शायद चल रहा होगा, मुझे आइडिया नहीं है, बट एक बार चेक कर सकते हो उनका प्रोफाइल पे जाके। सो आप लोग को जाना है भाई तो जाके एंजॉय कर सकते हो। एंड इसके बाद बात करते हैं एक अपकमिंग टूर्नामेंट के बारे में, जो कि है देख सकते हो OnePlus Dominate Arena। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो इसका प्राइस पूल 3 लाख होने वाला है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो नॉर्डविन का पेज पे जाओ, यहाँ पे आपको प्रोफाइल में ही बायो में लिंक मिल जाएगा, उस पर टैप करना है, फिर यहाँ पे आपको ये पेज खुलेगा, लेकिन यहाँ पे ओपन नहीं करना है, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके ओपन विथ पे जाना है और क्रोम से ओपन करना है, क्योंकि वहाँ से करोगे तो आपको ID पासवर्ड डालकर लॉगिन करना पड़ेगा। उससे बढ़िया क्रोम पे जाओ और यहाँ पे जो टूर्नामेंट चल रहा है मैंने बताया OnePlus Dominate Arena, उस पर सिलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पे आपका ये पेज खुल जाएगा जिसमें ये टूर्नामेंट का डिटेल्स है। तो इसमें देख सकते हो हर एक मंथ ये टूर्नामेंट आता है, और अभी चल रहा है फरवरी, तो उसका यहाँ पे टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, तो आप लोग अपना टीम को रजिस्टर कर सकते हो। तो सिंपल रजिस्टर नाउ पे टैप करोगे और आपका ये पेज खुल जाएगा, फॉर्म है जहाँ पे आपको पूरा डिटेल देना है अपने टीम का, अपने प्लेयर्स का, हर एक प्लेयर का हर एक डिटेल्स। और एक और चीज़ है कि आप लोग का जो कैरेक्टर नेम होता है उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये लोग लिखे हैं। तो ये तो भाई पूरा डिटेल्स हो गया, ये तो मैं शेयर नहीं कर सकता, ये तो आप लोग का टीम का होगा। हर एक प्लेयर का आधार कार्ड या फिर जो भी आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे शेयर करना है और सबमिट कर दोगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये है प्रोसेस। अब इसके बाद बात करते हैं स्काई ई स्पोर्ट्स के बारे में। सो आपको पता है स्काई ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप चल रहा है, तो कल ये पोस्ट आया था हु इज़ द गोट, मतलब बस यहाँ पे ये बोल सकते हो इंगेजमेंट के लिए कि ये है। सो बताना कमेंट सेक्शन में आप लोगों का फेवरेट प्लेयर कौन सा है। वैसे ये जो टूर्नामेंट चल रहा है उसका एक स्टैंडिंग मुझे मिला है, देख सकते हो राउंड 4 ग्रुप 1 का, जिसमें ये स्टैंडिंग से टीम्स का हो चुका था मैचेस। तो इसमें OST, टीम नावी और रेवन ये क्वालिफाई की है, लेकिन उसके बाद देखोगे तो टीम जेनेसिस, मिडवेव और टीम प्रिंस, ये तीनों T1 टीम्स में आती है, और टीम साइक भी है नीचे, स्कल्ड्स है जो कि आप लोग देखे होंगे हम लोग के T1 टीम्स में खेलते हुए देखने को मिलती है, तो वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब यहाँ पे एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, देख सकते हो इसमें इंसेंट सुनामी, आपको पता है इनके अगेंस्ट बहुत सारे एलिगेशन लगा था कुछ दिन पहले, सो वो भी खेल रहे थे, और बाकी टीममेट्स का नाम था MW, शायद मिडवेव के प्लेयर होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टैंडिंग्स दिखाया तो उसमें मिडवेव तो क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो शायद इंसेंट सुनामी की जो टीम है वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है, आगे हम लोग को नहीं देखने को मिलेगी। वैसे अभी तो यहाँ पे चल रहा है अंडरडॉग्स का मैचेस और कुछ यहाँ पे T1 टीम्स है, इसका क्वालिफायर राउंड स्टार्ट होगा कुछ दिन के बाद, शायद से 25 फरवरी, और ये कोई लैन नहीं होगा, ये कन्फर्म हो चुका है। ये जो स्काई ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है ये लैन नहीं होगा, स्काई ई-स्पोर्ट्स लीग जो था वो लैन होगा मार्च में। अब इसके बाद बात करते हैं थग भाई के बारे में। तो देख सकते हो उन्होंने कल ये ब्रॉडकास्ट में लिखा था, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिमेश अग्रवाल और मेरे साथ आज है, स्वागत है आप सभी का, सम ओल्ड प्लेस बैक सून, गेस मारिए। सो क्या लगता है क्या है ये? मुझे यहाँ पे दो चीज़ें लग रहा है, एक तो हो सकता है कास्टिंग, क्योंकि बहुत पहले कास्टिंग करते थे, सो ये कास्टिंग का हो सकता है, या फिर चर्चा विद थगवा, आपको पता होगा ये पहले कर चुके हैं, तो ये दोनों में से ही कुछ ना कुछ होने वाला है। अब ज़्यादा चांस हो सकता है कास्टिंग का, क्योंकि अभी 2 LAN इवेंट है, एक ESL है और IQ है, तो हो सकता है कि लैन इवेंट में ये कास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ESL का तो कास्टर रिवील पहले ही हो चुका था, तो ESL का चांसेस कम लग रहा है, बट IQ का चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहा है,
क्योंकि आपको पता है सोल और आईक्यू का तो कोलैब भी हुआ है, और आईक्यू का भी अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है कि कब डिटेल्स, मतलब कौन कास्टर होने वाला है, कब होने वाला है, तो अनाउंसमेंट भी हम लोग को 3 से 4 दिन में मिलने वाला है। सो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताना थक भाई का क्या ये अनाउंसमेंट है। एंड उसके बाद कल घातक भाई का भी अनाउंसमेंट आ गया, देख सकते हो एक्साइटिंग अनाउंसमेंट। जो उनका एक पेज है रिड चेड, तो ये एक क्लोथिंग ब्रांड है, नीचे यहाँ पे देखोगे तो लेवल अप योर वार्डरोब विथ योर इनेट विथ आवर इनेटिव गेमिंग इंस्पायर्ड क्लोथिंग लाइन लॉन्चिंग ऑन 15th February। मतलब यहाँ पे अभी चालू हो चुका है, आप लोग चाहो तो जाके यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। और फिर इसके बाद यहाँ पे एक मैटर के बारे में बात करते हैं, तो देख सकते हो थक भाई ने अपने ब्रॉडकास्ट में ये शेयर किया था, जहाँ पे लिखे थे प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव इनसेन अनपेड ड्यूज एंड दे फेल टू रिस्पॉन्ड टू ईमेल्स। अब यहाँ पे क्या था कि ये कोई ब्रांड कोलैबोरेशन हुआ था, मोगो ई स्पोर्ट्स है एक पेज है, जो कि यहाँ पे शायद वो लोग पेमेंट नहीं किए होंगे। अब वो लोग यहाँ पे कोलैब किए थे जिसमें इनसेन भाई, इनसेन इंडिया एक कास्टर है, तो वो यहाँ पे मिलके काम किए होंगे। वेल यहाँ पे स्पॉन्सर्स मिलता है तो ऑब्वियसली वो लोग काम करते हैं, हर एक बंदा काम करता है। सो बहुत सारे लोग उनको हेट दे रहे थे, तो वो यहाँ पे रिप्लाई दिए, गाइस काम डाउन, मेरी सिर्फ फोटो और वीडियो है, प्लीज़ डोंट पुट इट ऑन मी, आई एम नॉट इन मोगो ई स्पोर्ट्स एंड आई जस्ट मेड द वीडियो, नथिंग एल्स फॉर विच आई वॉज सपोज टू गेट पेड। थक भाई ने बोला है आई विल मेक श्योर नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन इट। मतलब सिंपल कि यहाँ पे जो मोगो ई स्पोर्ट्स है वो लोग का पूरा करा धरा है, और यहाँ पे उनका पेज चेक करोगे तो वहाँ पे भी थक भाई ने बोला है कि पेमेंट कब करोगे। तो ये है थोड़ा सा मैटर, जो भी यहाँ पे देखते हैं अब क्या होगा, कब सॉल्व होगा। और इसके बाद यहाँ पे एक और फाइनल न्यूज़ देख सकते हो, साक्षी जो कि आपको पता है गॉडला के कंटेंट क्रिएटर थे, लेकिन अभी प्रोफाइल में वो शो नहीं कर रहा है, शायद वो रिमूव कर दिए हैं या फिर कोई ग्लिच है, कुछ आइडिया तो है नहीं। और कल स्पैम भी हो रहा था कि साक्षी लेफ्ट गॉडलाइक, बट अभी तो कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है, देखते हैं जो भी होगा पता चल जाएगा। चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, जो मुझे बताया था ये न्यूज़ के बारे में और टूर्नामेंट के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।